सिटी हाइपर राइड होने वाले। ओ भाई 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 बट पता है, अरे तो चचा पूरी रोड गाच में तो देख लो यार, पीछे से देख रहे हो पूरी टेल लाइट वगैरह, पैनल्स वगैरह, पूरे मडगार्ड वगैरह पूरी खत्म हो चुकी है। पूरा सेटअप देख रहे हो फोन का, ये रहा फोन यहाँ पे माउंट कर रखा है, माउंट वगैरह लगा दिया है। ओ भाई क्या निकला हूँ मैं, बंदे ने क्या लिखा है ये देख रहे हो, लीजेंस नेवर डाई। आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देख लो SMK, बस इतना ही बोल रहा है, इतना काफी है। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हनी व्लॉग्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए यार। थैंक यू सो मच इतना प्यार एंड सपोर्ट दिखाने के लिए, ऐसे अपने भाई को प्यार सपोर्ट करते रहो। और गाइज आज जैसे कि जम्मू से आने के बाद मैं आज राइड कर रहा हूँ, और आज मैं फाइनली अपनी सिटी में राइड लेने जा रहा हूँ आज, बिकॉज मेरी सिस्टर का स्कूल में कुछ एग्ज़ाम वगैरह हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं, तो आज अर्ली मॉर्निंग सुबह के बज चुके हैं 7:30 या 8, तो उसको कॉलेज छोड़ना है। कॉलेज छोड़ के वहाँ पे कॉलेज में थोड़े रिएक्शंस भी लेंगे, और फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी मिलना है, और कुछ अपने, मैं बता रहा था ना रिसेंटली वाले ब्लॉग्स में मैंने बताया था, अपने हेलमेट्स की कुछ एसेसरीज आई हैं गाइज, तो एसेसरीज भी आ गई हैं, तो वो सिटी में पड़ी है तो वहाँ से उठानी है, और फिर आपको दिखाते हैं यार क्या मतलब क्या चीज़ें आई हैं, बड़ी प्यारी चीज़ें हैं। तो गाइज जो बंदे मेरे चैनल पे हनी व्लॉग्स पे नए हैं, जाके हनी व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो गाइज, और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना गाइज, और जिसने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो गाइज। गाइज कॉलेज की तरफ आ चुके हैं अपन, और यहीं पर है कॉलेज, यहाँ से अपने को राइट टर्न लेना है। सामने आपको अपने इंडिया का फ्लैग दिख रहा होगा तिरंगा, तो ये तिरंगे वाली कॉलेज है मेरे अकॉर्डिंग, तो यहीं से राइट टर्न लेना है। ये वाला ही है ना, अंदर एंट्री मिलती है या नहीं मिलती, किधर सीधा है, इधर ही बस, मैं अभी अपनी सिस्टर को छोड़ के आ गया हूँ कॉलेज में, और उसको पता है क्या हुआ, उसने अंदर नहीं जाने दिया मुझे, बिकॉज मुझे बोल रही थी मुझे शर्म आ रही है, मेरे क्लासमेट्स मेरे को चिढ़ाएंगे कि मतलब तू बाइक पे आई है ऐसे वैसे, पता नहीं यार क्या सीन है। अब लड़कियों का अलग ही सीन होता है भाई, इतने ड्रामे भाई अपन तो कभी नहीं करते इतने ड्रामे। अगर यहाँ पर मेरा कोई लड़का दोस्त होता ना गाइस, तो वो इतना खुश होता भाई, मैं लड़के दोस्तों को तो छोड़ नहीं जाता ही न्यू बाइक्स पे, मुझे इतने बोलते हैं, बट अगर मेरा कोई लड़का दोस्त होता ना वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता। तो उसको छोड़ दिया यार, फिर कॉलेज से मैं निकल के आ गया। तो गाइस अभी अपन आ चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पे, और यहाँ से अभी चलना है मेरे को चाचा के घर, बिकॉज वहाँ से अपनी एसेसरीज उठानी है सारी, वहीं पर हैं सारी एसेसरीज अपनी, तो वहाँ से सारी एसेसरीज उठाते हैं। पापा की परियाँ सुबह सुबह ही रास्ते पर भाई, अब मैं क्या बोलूँ इनके लिए, दो शब्द बोलूँ ना वो भी कम है। मैंने चाची को कॉल कर लिया था, तो वो टीचर हैं तो स्कूल में आई हुई हैं, तो उनको पिकअप करना है पहले, उनको पिकअप करके फिर, बिकॉज उनके घर पूरा घर लॉक है, तो घर की चाबी उनके पास है, तो उनको पिकअप करके लेके चलते हैं। गाइस पता है मेरी बाइक में एक सीन हो गया, पहले मैं वहाँ पर गया था ना, चाची को कॉल किया और उन्होंने कॉल ही पिकअप नहीं किया, तो मैं सोचा अब मैंने 5-6 कॉल किए बट उन्होंने कॉल पिकअप नहीं किया, या तो उनका कॉल बैक आएगा ना तब अपन वो अपनी जो भी एसेसरीज है ना हेलमेट की वो लेने चलेंगे। बट पता है, अरे तो चचा पूरी रोड गाच में तो देख लो यार, ऐसे घूम रहे हो, बड़े अजीब इंसान है यार, जैसे मन कर रहा है वैसे चल रहे हैं। यहाँ पे एक है ना, यहाँ पे ये बोल्ट है इसका, स्क्रू है, लॉक है इसका अपने पैनल का। मैं सोचता हूँ बाइक में यार वाइब्रेशन कहाँ से हो रही है, ये एकदम लूज़ हो रहा है भाई, निकला हुआ है, अब पता नहीं ये कब खुला कब निकला मुझे नहीं पता, बट खुला हुआ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ यामा के शोरूम के लिए, तो शोरूम में मेरी बात हो गई है, तो शोरूम ओपन मैं पहुँचूँगा तब तक ओपन हो जाएगा, तो वहाँ चल के यार ये भी टाइट करवाते हैं, और चैन का भी सीन देखते हैं, और फिर देखते हैं नोमी को भी कॉल किया वो भी आ जाता है, उसको ज्वाइन करके फिर हाइपर राइड करते हैं। रमजान का महीना चल रहा है यार, मैंने तो रोज़े नहीं रखे, बिकॉज मेरे को पूरे दिल बोलना पड़ता है, अगर रोज़ा रखता तो यार फिर कम्प्लीटली कोशिश करूँगा आगे, अगर कई दिन ऐसा हुआ कि हाँ रख सकता हूँ तो उन दिनों में रख लूँगा, बट अभी तो यार पॉसिबल नहीं है, हो पा रहा। मैं यामा के शोरूम में आया था जैसे कि मेरी बाइक का काम करवाने, और मैंने चैन वगैरह सही करवा लिए, और जो अपना एक वो जो लॉक था ना वो भी निकल गया था, बट यहाँ पे मैंने एक एम देखी, आप देख रहे हो इस एम की हालत क्या हो रही है भाई, पूरी एक्सपायर हो चुकी है, यूपी नंबर की बाइक है, सेम अपनी जैसी बाइक है, 10,000 किलोमीटर चली है, मैंने इसका मीटर ऑन करके देखा है, बट इसकी देख रहे हो कंडीशन देख रहे हो आप,
भाई साहब किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, पूरी बाइक की हालत एकदम ख़त्म हो चुकी है अंदर से बाहर से पूरी, बट इसका मीटर अभी तक ऑन है, पूरा मीटर भी क्रैक हो रखा है। यहाँ पे देख रहे हो कि 10,000 चली हुई दिखा रही है भाई, हालत देख रहे हो बाइक की, और पीछे से देख रहे हो पूरी टेल लाइट वगैरह, पैनल्स वगैरह, पूरे मडगार्ड वगैरह पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो इस बाइक को देख के मतलब भाई एक अंदर से ना अजीब सा लगता है, क्योंकि अपनी बाइक भी सेम ऐसी रह गई। मैं कभी अपनी बाइक को इस तरीके से नहीं देखना चाहूँगा यार लाइफ में कभी भी। तो गाइस निकल चुका हूँ मैं यामा के शोरूम से, जब मैंने बाइक मॉडिफाई करवाई थी ना जयपुर हेलमेट गैलरी पे, आशीष भाई की शॉप पे, वहाँ पे धर्मेंद्र भाई ने दूसरा लॉक डाल दिया था इसमें, और वो लॉक क्या हो गया, ये लॉक से ना वो वाइब्रेशन की वजह से खुल गए ऑटोमेटिक। जब मैं अभी जम्मू जाके है ना तो इतनी लॉन्ग ड्राइव की तो वो खुल गया, तो मैंने आज ध्यान दिया गाइस भाई उस लॉक की जो हालत हो रखी थी भाई, निकला पड़ा था तभी ये इतनी ज़्यादा वाइब्रेट कर रही थी। मैं सोच रहा हूँ मेरी बाइक वाइब्रेशन क्यों कर रही है, तो अभी देखते हैं यार चलते हैं, नोमी अपना वेट कर रहा है, नोमी के पास चल के देखते हैं क्या सीन रहता है। यहाँ पे वेट कर रहा है बंदा, फोन पे लगा हुआ है। और लौंडे देख रहे हो किन गलियों में घुमा रहा है बंदा, भाई कहाँ पे लाया है भाई, यहाँ लगा देता हूँ भाई। कौन सी है भाई, बड़ी शांति में लेके आया भाई तू, इतनी शांति नहीं चाहिए थी मेरे भाई, बहुत ज़्यादा पीसफुल जगह ले आया। तो भाई देख रहे हो कहाँ लेके आया बंदा भाई, कितनी पीसफुल जगह, बोल रहा है मेरे को शांति चाहिए, इतनी ज़्यादा शांति नहीं मांगी थी हमने भैया। हाँ इतनी ज़्यादा शांति थोड़ी मांगी थी, पीस आउट बोल रहा है, पीस आउट। नोमी का हेलमेट देख रहे हो भाई, बंदे ने पूरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कर लिया, एक बार हेलमेट निकालना तेरा। तो मैं आपको बोल रहा था ना, इस बंदे ने भी भाई मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला है, मतलब पूरा सेटअप देख रहे हो फ़ोन का, ये रहा फ़ोन यहाँ पे माउंट कर रखा है, माउंट वगैरह लगा दिया है, और अभी अपना चैनल वगैरह बनाने वाला है, फिर इसके भी अच्छे अच्छे, हाँ बोल रहा है चलो शुरू करते हैं, तो इसके भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। और अभी अपन जा रहे हैं अपने जो हेलमेट के मैंने जो एसेसरी मंगाया ना वो लेने, तो नोमी ने भी माउंट वगैरह लगा लिया है, बंदा भाई मोटो ब्लॉगिंग करने वाला है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इसके लिए, बिकॉज यार अच्छा ही लगता है कोई बंदा अगर स्टार्ट करता है तो। 12:30 के समथिंग मेरी सिस्टर को भी लेने जाना है, तो उससे पहले आपके लिए एक अच्छा सा ब्लॉग बना लेते हैं। वेस कर रहा है, चल आ जा, तेरे को मौका दे रहा हूँ। तो गाइस मैंने इसको दे दिया है मौका, और सिटी हाइपर राइड होने वाली, ओ भाई 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 क्या कर रहे हो गुरु भाई साहब, ये देख रहे हो भाई साहब क्या कर रहे हो, एलिफेंट वर्सेस स्पाइडी, कोई आ गया तो आगे भाई ठुकले वाले हैं, ये देख रहे हो, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई क्या निकला है बंदा। और हाइपर राइड में आपको पता है जब अपन सिटी में आ जाते हैं तो यार जिस तरीके की हाइपर राइड करते हैं तो फिर तो मजा ही आता है। क्या कर रहे हो भाई, लीन आपके भाई का, तो अपनी वाइब को यार अपनी चीज को मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा था गाइस, ये चेक करो भाई, नोमी एकदम पीछे लगा हुआ है भाई, वो रिकॉर्ड कर रहा है मेरे को पीछे से, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है पीछे से मेरे को, ओ भाई सामने वाला भाई डर गया यार, भाई तू इतना सा बचा था वहाँ पे तापड़िया बगीचे में, बचा क्या था, मैं सोचा लेके जाएगा अगले को साथ में भाई, भाई बस देख रहे हो, ओ भाई क्या निकला हूँ मैं भाई, मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है मिरर्स की यार, मिरर कहीं पे टच ना हो जाए अपने, बस और कुछ टेंशन नहीं रहती। ये देख रहे हो, ओ भाई किस तरीके से लीन मार रहा है आपका भाई। तो गाइस पता है अपना आ चुका है बॉक्स, इसमें अपने हेलमेट की एसेसरीज, तो अभी इनको अनबॉक्स यहाँ पे नहीं करेंगे, पहले चलेंगे वी रैप्स पे, बिकॉज इसको थोड़ा काम है, इसकी बाइक में थोड़ी मॉडिफिकेशन वगैरह करानी है वी रैप्स पे, तो वहाँ पे चल के इसकी बाइक भी मॉडिफाई कराएंगे और इसको भी वहीं पे अनबॉक्स करके आपको दिखाते हैं इसमें क्या है सरप्राइज़ आप लोगों के लिए। तो चलते हैं वहाँ पे देखते हैं, बस आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देख लो SMK स्पेयर, बस इतना ही बोल रहा है, इतना काफ़ी है, अभी चलते हैं देखते हैं क्या सीन रहता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार इस चीज़ को अनबॉक्स करने के लिए, पता है मैं जम्मू जाने से पहले मैं इसको ऑर्डर किया था, बट है ना ये आउट ऑफ स्टॉक था, तो कम से कम 10 या 15 दिन वेट करने के बाद ये चीज़ मेरे पास आई है, हरी सी चीज़ को अपन करने वाले अनबॉक्स। तो इसको तेरे को हेलमेट को उस पर रखना है, एक बार गिर जाएगा बंदा, तो भाई इसको करते हैं अनबॉक्स, खोलिए और देख रहे हो इसमें क्या है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, ये जो अपने नॉर्मल हेलमेट के लिए वाइज़र, मैंने वाइज़र ऑर्डर किए थे, और ये रहा रेनबो वाला है वाइज़र, देख रहे हो भाई, खोल रहा हूँ मैं इसको और देखते हैं फिर कैसा लगता है, अभी पॉलीथीन में तो बड़ा प्यारा लग रहा है,
खोलने के बाद देखेंगे, बड़ी टाइट तरीके से चिपकाया हुआ है यार भाई। फील आ रही है, बोला फील आ रही है भाई। लगाने के बाद आएगी फील तो गाइस। हो चुका है अपना, देख रहे हो भाई क्या प्रीमियम लग रहा है भाई। सेक्सी लग रहा है, बोला सेक्सी लग रहा है। तो गाइस अब इसको अप्लाई करते हैं अपने हेलमेट के ऊपर। देख रहे हो, देख रहे हो आपका भाई दिख रहा है इसमें पूरा, ये नोमी दिख रहा है, ये रहा भाई मिरर ही है एक तरीके से। देख ये दिख रहा, देख रहे हो मैंने हेलमेट का ये रहा वाइजर अपना प्लेन वाइजर हटा लिया है, देख रहे हो। और बिना वाइजर के कैसा लगता है हेलमेट, ये सही नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं लग रहा, स्टड वाला हेलमेट है। अभी मैंने अपने हेलमेट में इसमें जो लगा लिया है, जो मैंने रेनबो का वाइजर मंगाया था आप देख सकते हो, तो अभी ये इस पे जो लगी हुई है ना पन्नी, इसको हटाने वाले हैं अपन, बिकॉज बहुत प्यारा लुक देने वाला है। कलर कैसा लग रहा है भाई बता, सेक्सी। इसके मुंह से एक ही निकल रहा है, बस एक ही चीज़ बोल रहा है, ये सेक्सी सेक्सी सेक्सी। तो अभी इसको चल तू अनरैप कर दे यार, नहीं तू कर यार, तू कर भाई तू कर, अभी नोमी इसको अनरैप करने वाला है, चल देखने तो दे तू साले, तू खुद आगे आ गया। अभी यहाँ से इसको अनरैप, ये रहा ये रहा, यहाँ से होगा, किधर से भी कर ले, मुझे लग रहा है मुझे ही करना पड़ेगा। तो गाइज नोमी चेक करो, अभी अनरैप कर रहा है अपने हेलमेट के वाइजर को। ओ भाई गाइज देख रहे हो कितना सेक्सी लग रहा है भाई, कलर देख है ना मेरी जानम भाई, आई लव यू आई लव यू आई लव यू मेरी जानम। तो भाई देख रहे हो कितना सेक्सी लग रहा है यार, कितना प्यारा लग रहा है भाई, क्या लग रहा है भाई, पहन रहा है भाई, ये गलत बात है भाई। नोमी भी अपनी बाइक में कुछ मॉडिफिकेशन करा रहा है, तो ये बोल रहा है क्या करवा रहा है भाई, लाइट स्मोक। मैं इसको मना कर रहा हूँ बट ये मान रहा नहीं, इनके पास है ही नहीं स्मोक, कहाँ से कराएगा तू, ये बोले है नहीं। और दो इसने लोगो वगैरह देखे हैं, एक तो डॉलर साइन वाला देखा है, एक सिद्धू मूसे वाले का है ना, तो यार यहाँ पे मेरे को लग रहा है वो सिद्धू वाला ज़्यादा बेटर लगेगा। प्रदीप भाई आ चुके हैं और यहाँ पे लग रहा है लगने वाला, ये नाम भी लिखवा रहा है कुछ, कौन सा लिखवा रहा है भाई, लीजेंड नेवर डाई, इसके नीचे नाम है लीजेंड नेवर डाई भाई, बंदे ने क्या लिखवाया ये देख रहे हो, लीजेंड्स नेवर डाई, स्वैग देख रहे हो भाई, एनिफिल वाले बंदों का अलग ही स्वैग होता है भाई, कुछ भी करवा लेता है। इधर ये लिखा रखा है फील द डुक डुक भाई, क्या क्या करवाएगा तू। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, मेरी सिस्टर का भी कॉल आया तो उसको पिकअप करके लेके आते हैं। पता है गाइस मेरे वाइजर पे इतने सारे रिएक्शन आ रहे हैं, रेनबो का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, एक तो मुझे धूप में है ना बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही, ऐसे लग रहा है बाहर एकदम ठंड हो रखी है मस्त। और दूसरा बेनिफिट ये है कि मेरा फेस किसी को नहीं दिख रहा बाहर, आपके भाई का चेहरा है ना किसी को नहीं दिख रहा, इसलिए इतने सारे रिएक्शन आ रहे हैं ना आपके भाई के हेलमेट पे भाई, क्या बताऊँ। और क्या लुक दे रहा है हेलमेट बाहर से, कितना प्यारा लग रहा है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा हेलमेट लग रहा है। कुछ प्लान कर रहा हूँ गाइस, बहुत बड़ा बहुत प्यारी चीज़ प्लान कर रहा है आपका भाई, बहुत कुछ सोच के बैठा हूँ मैं। तो अभी नेक्स्ट आने वाले एक दो मंथ में आपका भाई बहुत कुछ करने वाला है आप लोगों के लिए, काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें करने वाला है, वो आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगी, बिकॉज मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ आपको, बिकॉज अगर अभी बता दूंगा ना तो फिर वो सस्पेंस नहीं रहेगा, वो सरप्राइज़ नहीं रहेगा। बट आपके भाई ने बहुत बहुत प्यारी चीज़ें सोची है, तो आप अपने भाई को ऐसे प्यार करो, अपनी छोटी सी फैमिली को बिग फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली बना दो गाइस, एकदम बिग 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 फैमिली बना दो, बिकॉज जब ये बिग फैमिली हो जाएगी ना तो फिर अपन और नई नई चीज़ें करेंगे आपके लिए, नए नए एक्सप्लोरेशन करेंगे, नई नई चीज़ें करेंगे, धीरे धीरे ब्लॉग्स आएंगे तो आपको पता भी लग जाएगा मैं क्या चीज़ करने वाला हूँ। तो अभी चलते हैं घर के लिए, और गाइस आई होप कि आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले से प्यारे से मस्त से बॉम्ब से ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ मस्त खुश और खाते पीते रहो गाइस। ओके गाइस बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए पीस आउट।